गॉड, सिर दुख रहा है, सो मच टेंशन टेंशन टेंशन, अब मैं क्या करूं? यही सब होता है हमारे दिमाग में। हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टर्म मोटिवेशन। ऑल द टाइम वी आर एक्सर्टिंग, वी आर फीलिंग एक्सर्टेड, राइट, थ्रू दिस मेंटल स्ट्रेस, राइट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दैट हमेशा इस फास्ट लाइफ में, इन टुडेज सिनेरियो, हमें हमेशा हमारे दिमाग पे ऐसा लगता है कि हम स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, किसी तनाव से गुजर रहे हैं, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू कैन लिसन दिस सॉन्ग, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। आई बात समझ में आपको? आपको क्या करना है? पुरानी बातों को छोड़ते जाना है, नए रास्ते पे चलते जाना है। और जो रास्ते पे आप चल रहे हैं, अगर वहाँ कुछ कांटे आ रहे हैं, तो उन कांटों को हटाकर हमें आगे बढ़ते चले जाना है। यही होता है मोटिवेशन, राइट? इसको हिंदी में कहा जाता है अभिप्रेरणा, ठीक है? मतलब कि जैसे अगर आप कहीं पर, सपोज कर लीजिए, छोटी सी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, कोई आप ड्रेस खरीद करके लेकर के आए, आपने आपकी पसंद की ड्रेस खरीदी है, घर आते हैं, घर पे सबको दिखाते हैं, फ्रेंड्स को दिखाते हैं, वन ऑफ योर फ्रेंड्स से दैट कि नहीं यार, ये कलर तुझमें सूट नहीं करेगा, इतने अच्छे से पसंद करके आए थे आप उस ड्रेस को, आपका मन पसंद ड्रेस था, पर एक फ्रेंड के इतने से बोलने पर आपका माइंड पूरा गोल घूम जाता है, राइट? आपको वो ड्रेस में कमियां नजर आने लगती है, आपको अपने आप में कमी नजर आने लगती है, क्या यार वो ड्रेस मुझ पे सूट नहीं करेगा, मैंने तो बड़े पसंद से लिया था। आप निगेटिविटी की ओर जाने लगते हैं। आई बात समझ में? तो दुनिया में दो चीजें होती है फ्रेंड्स, दैट इज पॉजिटिविटी एंड निगेटिविटी। और आज के इरा में, इन टुडेज सिनेरियो, लोगों का जो चलना है ना, वो निगेटिविटी की तरफ ज्यादा हो गया है, राइट? ड्यू टू द स्ट्रेस, टेंशन एंड ऑल। सो मोटिवेशन इज ओनली द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि आप उसको, मतलब सामने वाले को मोटिवेट, प्रेरणा दे करके उसकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। सो वर्ड्स, फर्स्ट वन इज मोटिवेशन इज अ प्रोसेस, या एग्जैक्टली इट इज अ प्रोसेस। शुरू कहाँ से होती है? आपकी लाइफ, आपकी नीड से शुरू होती है। भाई व्यक्ति जीता क्यों है? तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जीता है, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीता है, तो इस कारण से वो आगे बढ़ता जाता है, आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है, उसके लिए प्रेरित होता जाता है, उसके लिए उसको प्रेरक स्तोत्र मिलते जाते हैं, और फिर आखिर में जब वो चीजें उसको मिलती जाती है, तो वो संतुष्टि प्राप्त करता है। सो मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होता, वो चलता ही रहता है, इट इज वन प्रोसेस। आप उसमें इनपुट डालते हैं, प्रोसेसिंग होती है, और आउटपुट निकलता है, राइट? क्या आपने कभी सोचा है, जो आज इतनी बड़ी कंपनी है हमारे इंडिया की, रिलायंस कंपनी, उनके मालिक थे धीरूभाई अंबानी, राइट? आज ये कंपनी ने क्या किया है? आप सोच रहे हैं, आज जब हम और तुम मिलकर के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये किसकी बदौलत है? रिलायंस कंपनी जियो की बदौलत है, क्योंकि सबसे पहले जियो ने इतना मोबाइल फ्रेंडली बनाया हमें, जियो ने इतने एडवांटेजेस दिए, नेट एडवांटेजेस एंड ऑल एडवांटेजेस, जिसके थ्रू हम आज ये चीज़ें कर पा रहे हैं। आपको पता है वो व्यक्ति ने शुरुआत कहाँ से की थी? धीरूभाई अंबानी ने। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ यू आपको यही पता है कि उन्होंने पेट्रोल पंप में पेट्रोल फिल करते करते शुरुआत की थी। नहीं बच्चों, उसके पहले उन्होंने
चाय का ठेला लगाया था, उसके साथ वो पकोड़े बेचा करते थे, वहां से हमने शुरुआत की। आज इंडिया के सबसे बड़ी पोस्ट पर उनकी कंपनी खड़ी है। तो क्या व्यक्ति चाहे तो कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। उसे किस चीज की जरूरत है? उसे एक तो अपने मन में टारगेट होना जरूरी है, और कई बार ऐसा होता है कि वो टारगेट व्यक्ति खुद क्रिएट नहीं कर पाता है, उसे किसी के पीछे होने की आवश्यकता होती है। इट मीन्स दैट उसे मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, सो सेकंड वन इज मोटिवेशन क्रिएट्स विल पावर, इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो ऐसा फील करता है कि आई एम नॉट एट ऑल एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, एक टीचर आता है, उसको एग्जामिन करता है, नहीं बच्चा आप तो बहुत अच्छे तरीके से लिख रहे हो, आप चाहो तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। इतने वर्ड्स अगर किसी टीचर ने बोल दिए तो वो दिमाग पे टच हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें दिमाग पे टच हो जाती हैं, और वो बच्चा एक नॉर्मल ह्यूमन बींग से कहीं तक पहुँच सकता है, मतलब नीचे से ऊपर तक पहुँच सकता है। आई बात समझे बच्चों? सो इट क्रिएट्स अ विल पावर, इच्छा शक्ति काम करने की शक्ति को वो क्रिएट करता है, मोटिवेशन में इतना दम होता है। ठीक है, देन इट डायरेक्ट्स टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट, या ऑब्वियसली जो आपका गोल है, आपने कई पेरेंट्स को बच्चों को मोटिवेट करते हुए देखा होगा। ठीक है, कई बच्चे अभी आप अभी कोरोना काल में ही देखिए, कोरोना काल में काफ़ी बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं कि हमें घर बैठे पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आ रहा है, ऑनलाइन में मज़ा नहीं आ रहा है। तो पेरेंट्स को आपने किसी न किसी तरीके से उनको अभी प्रेरित करते हुए देखा होगा, नहीं आप ये करके देखिए, आप इस पर जाके देखिए, उस पर कई सारे तरीकों से पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो वो किसकी ओर पहुँचा रहे हैं? गोल अचीवमेंट की ओर पहुँचाते हैं। आपने देखा होगा घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, चलो आप ये स्टडी आप मुझे करके बताइए, मैं आपको चॉकलेट दूंगी। एक छोटे से चॉकलेट के चक्कर में बच्चे उस चीज को पढ़ जाते हैं। व्हाट इज दिस, ये आपको मोटिवेशन किस ओर लेके जा रहा है? तो गोल अचीवमेंट की ओर लेके जा रहा है। राइट, इट रिलेट्स टू टेंशन, या आई टोल्ड यू बिफोर कि टेंशन से रिलेटेड होता है, तनाव से रिलेटेड होता है। दिन भर मानसिक तनाव हम लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग पे कंट्रोल खो देते हैं, दैट्स व्हाई वी आर फीलिंग द टेंशन। राइट, तो मोटिवेशन क्या करता है, आपकी टेंशन को रिलीज करता है। आप लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, तीन बार लंबी सांस लेकर के छोड़िए। आप ये मेडिटेशन करके देखिए, आंख बंद करके 5 मिनट एक ही ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करिए, देखिए आपका टेंशन रिलीज होता है या नहीं होता है, करके जरूर देखिएगा दोस्तों। अदरवाइज कुछ ना कुछ आपके मन में जरूर आएगा उसके लिए। राइट, तीन सांस लीजिए, तीन लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, देखिए टेंशन रिलीज होता है या नहीं होता है। अब आप अगर किसी टेंशन में, आपने मेरा ये वीडियो देखा, आपने तीन सांस ली, छोड़ दी, मेडिटेशन किया, तो आपको क्या मिला है? आपको मोटिवेशन मिला है आपके टेंशन को रिलीज करने के लिए। ये काम करता है मोटिवेशन। ओके, देन मोटिवेशन हैज अ वाइड स्कोप, ऑब्वियसली आई डोंट थिंक विदाउट मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति कहीं ना कहीं आकर टेंशन में आता ही है। वो व्हाट ही नीड्स, व्हाट शी नीड्स, शी नीड्स, ही नीड्स ओनली अ मोटिवेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस, सबसे पहले तो वो क्या करता है, आपके मनोबल को बूस्ट अप करता है, हाई मोरल की ओर लेकर के जाता है। हाई प्रोडक्टिविटी, व्यक्ति जितना काम नहीं कर रहा है उसे मोटिवेट किया जाता है, नहीं आपके अंदर ये चीज है तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को मतलब जितना उसके अंदर है इंटेलिजेंसी वो आगे क्रिएट करता है, उसका रिजल्ट निकालता है। राइट, रिडक्शन इन लेबर एब्सेंटिज्म, ऑब्वियसली एक जो लीडर है, एक जो मैनेजर है, वो अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करके आगे बढ़ा रहा है। तो जो एब्सेंटिज्म है भाई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति जॉब करने जा रहा है, वहाँ का वातावरण इतना कूल है, इतना अच्छा है, एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया है, तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पे एब्सेंट होना नहीं चाहेगा। तो ये दिस इज बिकॉज ओनली थ्रू द मोटिवेशन ओनली। ओके, देन गुड इंडस्ट्रियल
औद्योगिक रिलेशंस को भी वो अच्छा क्रिएट करता है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को आपस में अपना मनोबल बढ़ा करके मोटिवेट करके काम करते हैं। एंड देन अवेलेबिलिटी ऑफ बेस्ट पर्सोनल, ऑब्वियसली आप इस प्रकार के मोटिवेशनल व्यक्ति हैं, आपकी मोटिवेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको बेस्ट पर्सनल मिलने के 100% चांसेस रहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वहीं जाना चाहता है जहाँ उसको काम करके अपने मन की संतुष्टि, जॉब सेटिस्फैक्शन मिले, वहाँ वो जाना चाहता है। सो इन दिस वे, हाँ, पर्सोनल का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, वर्कर्स, दोज वर्कर्स हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके स्टूडेंट, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अ मोटिवेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।